बंगाल इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से उनको भी मौका मिले और वो भी अपनी मूवी इंडिया के अंदर लाए और उन्हें भी लोग देखे और पसंद करे। साउथ वालों की देखते हैं, तेलुगु वालों की देखते हैं, बॉलीवुड वालों का चल ही रहा है, तो बंगाल इंडस्ट्री को भी मेरे ख्याल से एक मौका मिले। उनकी मूवी आ रही है एक चंगेज, चंगेज का ट्रेलर तो बहुत धांसू था। मेन रोल में होंगे जीत, सुष्मिता, रोहित रॉय, ये तीन मेन रोल के अंदर होंगे। हमें देखने को मिल रहा है इस ट्रेलर के अंदर कि जो जीत होंगे वो यादव से चंगेज कैसे बनेंगे और उनकी क्या मजबूरियां रही होगी, जो एक गुंडागर्दी में उतर जाएंगे और ड्रग्स माफिया का एक बहुत बड़ा एजेंट बन जाएंगे और सभी कोलकाता को अपनी अंगुलियों पर नचाएंगे, ये भी हमें देखने को मिलेगा। और उसमें खेल का मैदान भी होगा, फाइटिंग भी होगी, एक्शन सीन भी होगा, ड्रग्स माफिया भी होंगे, एक से बढ़कर एक माफिया होंगे, उनका जो सफाया होगा बहुत गजब स्टोरी बनने वाली है, धमाकेदार फुल मूवी एक्शन सीन होगा। मूवी तो दासू है, ये तो कंफर्म हो चुका है। ट्रेलर माना कि थोड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगता है, आप सभी को पता है कि कोई भी एक चीज कभी भी सही सही सटीक कोई भी चीज नहीं बैठती, लेकिन धीरे धीरे टाइम के अनुसार वो भी सेट हो जाएंगे, जैसे साउथ वाले हो रखे हैं, बॉलीवुड वाले हो रखे हैं, तो इनको भी एक मौका दो। और ये आ रही है ईद पर, तो सलमान खान की और इसकी टक्कर क्या होगी? मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत तो होगी। सलमान खान माना कि उनको कोई हरा नहीं सकता, वो काफी पुराने हुए रंजे हुए खिलाड़ी है, तो उनका कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन बंगाल इंडस्ट्री को भी मौका मिले और उनका जो सपना है कि इंडिया में भी उनको लोग देखें, तो मेरे ख्याल से वो सपना भी उनका पूरा हो और बंगाल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, मैं तो यही कहूंगी। और मैं उनके सपोर्ट के अंदर हूँ कि उनकी भी मूवी आनी चाहिए और लोगों को देखनी चाहिए। आगे तो मूवी आने पर पता चलेगा और क्या हो रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।